हाँ ये छोटी लगता है बहुत सीरियस है मैं मतलब क्या करें फोटो अच्छी आनी चाहिए अच्छी आ रही है बड़ी आ रही है पति देन 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 हेलो गाइस और आज हम जाने वाले हैं आ रहे हैं हाँ जा रहे हैं किसकी घर एडी नागर की घर तो देखते रहिए आपको दिखाते रहेंगे देखते ये हमारा हरित आर्ट्स ग्रेट आर्टिस्ट हेलो यूरी बस ज्यादा मत बोलो मेरे बारे में KGL तो चलते हैं अब हम पहुंच चुके हैं और मैं आपको एडी नागर दिखा देती हूँ ए भाई देख तो लो ये रहा भाई का घर यू सी मैंने एक प्रैंक वीडियो में देखा है आपकी एक प्रैंक वीडियो थी ना हाँ पापा जी भी ना हमारी एडिटर है हरित आर्ट्स हरित श्रांतना हरित श्रांतना हाँ जी हाँ पता नहीं क्यों लिखते हैं रोहित भाई पता क्या है श्रांतना ही है श्रांतने क्या है मैं और नागर हमारी ना बुआ है एक ही बुआ हमारी क्लास की और वे नागर है कौन कौन सी क्लास में हो आप कौन सी क्लास में हो बी कॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हूँ आप टेंथ मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ बस इतनी ओवर एक्टिंग ठीक ना बहुत ज्यादा वो करा है और दो दिन तुम्हारे गाने में तो लक्ष्य बहुत ज्यादा ये तुम्हारा वाला गाना आया ना उसका नाम छुटका नाम है जो तू अपना रहा कौन सा क्या बना रहा ये गुरमीत भाई की कोई सामने बता अभी तो ब्लेरो आया सेंटा क्लॉज तुम्हारा आया ठीक है इश्क का राजा इश्क का राजा दामन पे थोड़ा दाग लगा दो सावन अच्छी लगती हो भाई आप बहुत गोरे हो मुझे लगा फिल्टर में ही ऐसे आते हो आप रियलिटी में बहुत बढ़िया हो ये ना आपके लिए रोज लेने वाली मैंने कि जाके लिया 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 फिर सोगी फिर एक घंटे बाद उठती है मुझे और टाइम होगा जल्दी जाओ चलो जल्दी चलो जल्दी चलो यू ही जगह ज्यादा अच्छे से शूट कर लिया है मैं वो जाकर बोल ले जाकर मैं जो दूसरे भी रहूँ पापा कहना है तो यहाँ ले जाए कर मैं इतना आर्ट क्लास लिए आप देते हो या लेते हो मैं देता हूँ अभी सीख रहे हो सिखा रहे हैं सिखा रहे हो ना क्या खाओगे पिज्जा खाओगे बर्गर खाओगे ना पिज्जा का खाना खाना खाओगे ना घर पे खाएंगे नहीं नहीं मैं इन्हें बिठाओ मतलब जाओ जाके इन्हें बनाना भी है नहीं ना बैठ के बना लो आराम से कोई खड़े मत नहीं मुझे आपका टैटू देखना है वाओ आपको दर्द नहीं हुआ हाँ थोड़ा बहुत होता है बट ठीक है आपके जो गर्दन पे टैटू शक्ति वाह वाली फोटो में समझ ना आ रहा कि वो लिखा क्या है यहाँ पर संकल्प है यहाँ पर शक्ति हाँ संकल्प बता फिर ये है ना क्या जो प्रोफाइल फोटो में सेलेक्ट कर ही बना देते ठीक है जो है ना वैसे ही उल्टी मेरे इफेक्ट मिला हुआ है ना तो वो उल्टा लिख के आ रहा है फिर मैंने कि जैसे दिख रहा है मैं वैसे ही बना दूंगा मैंने पूरा पूरा संकल्प ही लिखा हुआ अब वह अगर पंट पंट देखोगे ना तो संकल्प ही लिखा रहेगा और एक चीज़ जो है बिल्कुल सेम टू सेम निकल जाएगा भाई रुक जा मैं बोल रहा हूँ आप इन सारे इन मैसेज ढूंढ लो ढूंढ लो
हाँ जी ज़्यादा है तो बहुत सारे, ये तो एक ही फाइल है, ये इनकी राजेश पायलट जी की या सचिन पायलट जी की? सचिन पायलट शी, ये कौन है? सौरभ गुर्जर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, पलक सिद्धवानी, ये खाली है, ये गिलास, बैठो बैठो बैठो, अमन वैसला बैठ जा भाई, कोई बात नहीं। रेनू कपावा अच्छे, नमस्ते अंकल, अमन वैसला बैठ जा भाई, कोई बात नहीं। दिन चंडीगढ़ देखो कितने अच्छे अच्छे स्केच बनाए बट बहुत अच्छे स्केच जो है ना जब प्रैंक वाली वीडियो देखी तुम्हारी, ठीक है, बाग बात याद सोची मतलब ऐसे छोटा सा मजाक करेंगे, कोई फाइल रख ली नहीं, ठीक है, फिर यहाँ पर स्टाइल तो लोग कर देंगे, फिर बोल देंगे क्या वो लग रही घर पर छोड़ के, ठीक है, यहाँ पर अलग से करा के नीचे आप इसे खोलो आराम से, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया, और वो लेके खड़ी थी उसकी माँ का फोटो, तो प्रधानमंत्री मोदी ने गाड़ी धोई है, पता है, गाड़ी धोई, गाड़ी उत्पादन के सारे फोटो को तोड़ के उसकी तस्वीर ली और उसका नाम पूछा, पूछा पूछा करो आर्ट जो है कोई भी हो अच्छी होती है, बहुत बड़ा अच्छा बनाया जो सीएम योगी जी हैं, वो एक बार गए थे मतलब गोवा के बीच, गोवा के पता नहीं वहाँ पर कुछ हो रहा था तो वहाँ पर गए थे, किसी ने सैंड से जो है ऐसे एक बहुत अच्छा पुतला बनाया, उनको कुछ बड़ा प्रसूट बढ़िया बात है, ये आर्ट में जो है ना ये के जो माइंड सेट है ना वो अच्छा होना चाहिए, ड्राइंग किसी से बन इसके साथ साथ पोर्ट्रेट के साथ साथ वो ना आगे इसको कार्टून स्टोरी का जैसे कार्टून मैं सारी चीज़ सिखाता है आर्ट का, सिखाता है, हाँ अच्छा अच्छा आर्टिस्ट है, बड़ा पता कि आपने ना पेंसिल से बनाई है, मेरे को ये नहीं पता था कि ये स्केच आपने पेंसिल से बनाया, मेरे को लगा कि एक कोई ऐप वैप से कन्वर्ट कर दी होगी, मेरे को नहीं पता था कि आपने पेंसिल से बनाया, दोस्त आ रहे थे उनको मैंने बना के दिया, ठीक है, पहले तो उन्होंने ये जो है ना हाथों से बनाई, फिर जब मैंने वीडियो देख के जो मैंने मैंशन करा था कि ये वीडियो भी लिखता है, फिर उन्होंने देख के जो है ना अपने सामने से स्टोरी लगा के बोला कि भाई पहले तो मुझे लगा था ऐसे ही, वो वैसे ही लगता है कि उसी ऐप से आपने कन्वर्ट कर दिए, बट अभी तो बहुत लोग करते हैं अच्छी बनी है। दिस इज़ एडी नागर और मेरे साथ अभी हैं हरित भाई जो बहुत अच्छा स्केच बना के लाए हैं मेरे लिए, और
बहुत 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 अच्छा लगा इनसे मिलकर। बहुत छोटे हैं इसमें और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करें, इनकी आर्ट को प्रमोट करें। और वेरी कंग्रेचुलेशन यार, और आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, ऐसे ही लाइफ में आप करो, हम आपके साथ हैं। और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई को सपोर्ट करें और इनके जितने भी स्केचेस ये आपके लिए बनाते हैं उसको शेयर करें, क्योंकि पहले मेरे को भी लगा था कि ये जस्ट एक किसी ऐप से बनाया होगा, बट ये इन्होंने अपने हाथों से बनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल से बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। थैंक यू सो मच। हरे थॉट्स। अभी भाई हमें छोड़ने जा रहे हैं, छोड़ने घर तक नहीं जा रहे, मतलब कैब तक। तो दोस्तों अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं और एडी नागर भाई से मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, इतना ज़्यादा अच्छा कि मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि अलग ही बात है एडी नागर भाई में, जो मुझे आज तक किसी में भी नहीं लगी है। तो सही में नहीं 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 बुरे बुरे कोई बात ना, पर यू ये वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अपने मन से बता रहा हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ से पूछ लो, यहाँ से हाथ भी लाया आज तक, मतलब क्या है घर जाके मैं सुसाइड करूंगी आगे में तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं और अभी घर जा रहे हैं। घर पहुंचने के बाद अगर कुछ होगा तो आपको दिखाएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे एडी नागर ने हमसे क्या क्या बात करी, बहुत सारा हम रिकॉर्ड ना कर सकते। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, अगर घर पे कुछ नहीं हुआ तो। हेलो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हम एडी भाई से मिलकर आए और उनसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली थी और जिससे मुझे मतलब मैं थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया था, भावुक हो गया था। और मतलब ऐसा जो मुझे किसी और ने तो नहीं बोला है, पर बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत अच्छा भी लगा था, इमोशनल भी हो गया, मैं लगभग रो ही गया बिल्कुल। तो ऐसा ही है, मतलब आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और इसके बाद मुझे और भी ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँ और आगे तक जाऊँ, ताकि जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उन्हें अच्छा लगे कि हाँ हमने सही बंदे को जो सपोर्ट करा है, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो वो बात जो है जो कि एडी भाई और मेरे बीच में हुई थी, वो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ और ना ही बता सकता हूँ, क्योंकि वो ना तो दिखाने वाली चीज़ है और मैं अगर वो बात बताऊंगा भी ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मेरे मन में रहेगी और मुझे जितना अच्छा लगा है ना उतना आपको शायद ना लगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं, तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आएंगे आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लो, क्योंकि ऐसे ही और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपके लिए लेकर आता रहूँगा मैं। I'm not the one who's got the power.